दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इनोवा कार से 1,74,00,000 रुपए नगद के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पता चलता है कि उन्होंने जितनी कहानी बनाई थी वो सारी झूठी निकली। एमपी के रास्ते महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में काले धन की सप्लाई होती है। सिवनी में कुरई पुलिस ने राहगीरों की सूचना पर एक इनोवा गाड़ी को पकड़ा, जिसके बोनट में 1,74,00,000 रुपए छिपा कर रखे गए थे। दरअसल पुलिस को राहगीरों से सूचना प्राप्त हुई थी कि इनोवा कार से जले हुए नोटों का उड़ते हुए देखा गया है। सूचना पाते ही कुरई थाना प्रभारी मनोज गुप्ता ने इलाके में तत्परता के साथ चेकिंग शुरू की और संदिग्ध वाहन को रोका। तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में रुपयों के साथ जले हुए नोट मिले। पुलिस ने इनोवा वाहन को भी जब्त कर लिया। संदिग्ध हरिओम यादव ने बताया कि वह मुंबई में ड्राइविंग का काम करता है। उसका भाई हरिनाथ यादव बनारस में दशरथ सोनी ज्वेलर्स की दुकान में काम करता है। वो अक्सर बनारस से अपनी गाड़ी में नगद राशि ले जाता है और मुंबई या दिल्ली से सोना चांदी लेकर बनारस आता है, लेकिन आरोपी की कहानी झूठी निकली। दरअसल आरोपियों द्वारा सर्राफा व्यापारी की रकम की लूट करने के बाद ये मुंबई भागने की फिराक में थे। इस गाड़ी में 1,74,00,000 रुपए हमें गाड़ी की तलाशी लेने पर बरामद हुए हैं। इसमें हमें 3 आरोपी जो हैं, हरिओम यादव, सुनील वर्मा और ग्यास बाबू, इन लोगों से पूछताछ की गई। इन्होंने कोई वैध दस्तावेज या पैसे के बारे में कुछ हमें जानकारी नहीं दी। इनके द्वारा बताया गया कि ये व्यापारी से पैसे लेकर बनारस से मुंबई जाते हैं और मुंबई से वापस गोल्ड लेके वापस डिलीवरी करने वहाँ बनारस जाते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।